लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम माय मॉम। तो यहां तक आने में कोई तकलीफ? अगर हाँ बोलू तो भी कुछ नहीं, फिर भी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जो कि है कि आप अपना नाम बताना चाहोगे? नहीं कुछ और जो अपने बारे में बताना चाहते हो? बेली वाला ना मुझे पसंद नहीं है, क्यों? चीटर है वो। अच्छा तो फेवरेट कौन है? जॉन सीना। रोमन रेंस के जमाने में जॉन सीना। अच्छा नहीं 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 जॉन सीना। ठीक है बढ़िया ठीक है। अच्छा मेरा रेसलिंग से जुड़ा हुआ चैनल है तो उस पर मैंने कल एक वीडियो डाली मुझे थी। नहीं पता, मैं तो रेसल चैटर देखती हूँ। कैन नॉट कंप्लेन। वैसे इस कम्युनिटी में हर यूट्यूबर को, मेरे को भी कहा गया है कि रोमन रेंस तेरा बाप है, तो क्या एक्चुअली में वो बाप है? शर्म नहीं आती बोलते हुए? वैसे तुमने अपने बारे में अब तक कुछ नहीं बताया, कुछ तो बताओ हमारी ऑडियंस को। है ऑडियंस? तेरी ऑडियंस? कितनी ऑडियंस तेरी? बहुत कम। अच्छा चलो मत बताओ, ये बताओ कि इस सेटअप पे आके कैसा लग रहा है, फील कैसा हो रहा है? ये सेटअप जो मेरे ही घर की दीवार पे मेरे ही घर में पर्दा टांगा हुआ है। तो क्या रेसल चैटर जैसा सेटअप रखूं? हाँ वो होता है सेटअप, तभी तेरे व्यूज तो मैं। अच्छा WWE पे वापस आते हैं, याद है बचपन में कैसे मैं ट्रिपल एच की तरह पानी फेंका करता था मुंह से और पूरा फर्श गीला हो जाता था? फिर ये भी तो पता है, फिर 10 दिन तेरे से ही पोछा लगवाया जाता था अरे वो तो मेरा बड़प्पन था। ना मुन्ना, वो तो बाटा का चप्पल था। अच्छा याद है मैंने कपड़े से रे मिस्टीरियो का मास्क बनाया था एक बार, तो अच्छे से उल्टा पहनने से मुंह पे मास्क नहीं बनता है। वो कच्चा था, तभी मैं क्यों लड़ने से पहले क्यों बेहोश हो जाता था। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती मैंने कौन सी की? तूने तो नहीं, मैंने पर ये सबसे बड़ी गलती। अच्छा दर्शकों को बताओ कौन सी है वो गलती। वो गलती आज 24 साल की हो गई है। तो क्या ऐसे मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन और अभी जो आपने देखा वो थी फुल एक्टिंग, लेकिन रियल में ये ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन मैंने ऐसा लिख के दिया था कि नहीं अब सीरियस ही बनना है। तो आज हम मिलवाने चाहते हैं आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनली है कि क्या है, कुछ भी है, वुमेन डे तो है ही है। तो आज वुमेन डे के दिन हम अपने घर के वुमेन मेरी मम्मी से मिलवाने वाले हैं। तो पता नहीं क्यों माँ बापों को आजकल बड़ा कैमरे पे आने का शौक है, इनका बहुत बचपन से सपना था कि मेरे को 3DX चेतन के चैनल पे जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है वुमेन डे के दिन ये पूरा करते हैं, और होली भी है तो बड़ा अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, अवसर है। हमारे लिए तो सारे डे सेम है। अच्छा अच्छा मेरा एक मकसद ये था यहाँ पे मम्मी को लाने का कि ऐसा ना हो ना कि एक सीक्रेट रेसिपी एक ही बंदे को पता, मान लो मुझे कभी कुछ हो गया तो इस चैनल पे वीडियो बनाने के लिए दूसरा प्रतिनिधि होना चाहिए और वो मुझे मम्मी लग रही है। तो WWE देखती हो? यस। अच्छा इतने इतने कॉन्फिडेंस से तो इंडिया गेट पे यस नहीं बोला था जितना तुमने बोल दिया। अब भी देखती हो? मुझे अब तो मुझे ज्यादा है, मतलब टाइम नहीं मिलता। क्यों आपका अंबानी क्या पे काम कर रही हो? नहीं वो मतलब वैसे वो नहीं रहा ना, जैसे बच्चे छोटे छोटे थे जब पढ़ने चले जाते थे उस टाइम पे टाइम मिल जाता था। तो अब इतना टाइम मिलता नहीं है, पर पहले मुझे बहुत पसंद था जॉन सीना, ट्रिपल एच, ये सब मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा तो जब हम पढ़ने चले जाते थे तब देखती थी? हाँ। रोडीज देखती होंगी तब? नहीं नहीं अच्छा हाँ। तो मैं भी तो मैंने बताया था। हाँ यही हाँ मम्मी रेसलिंग। मम्मी को लगता है कि उन्होंने बताया था, लेकिन उस दिन दो चीज़ें हुई थी, जब मैं ट्यूशन पढ़ रहा था तो ट्यूशन में भी वो बात हुई थी और जैसे ही घर पे पहुंचा तभी मम्मी ने पहली बार दिखाई थी। तो जिसको क्रेडिट लेना है ले लो, लेकिन जिसने भी दिखाया पता नहीं अच्छा किया या बुरा किया। नहीं मुझे तो ये था ना मेरा बच्चा बड़ा होकर पहलवान बने, मस्त बने, ये। तो उसके लिए खाना भी खिलाना पड़ता है, तोरी के अलावा कुछ और भी खिलाना पड़ता है? यही अच्छी सब्जियां होती है, हरी सब्जियां सबसे बेस्ट होती है। बस पता नहीं हरी सब्जी का क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा होता है माँ बापों को, बस हरी सब्जी नहीं तो आलू। नहीं ये चिल्ली चौमिन ये इनसे मोटे होते हैं। अच्छा तुम्हें क्या सही में वीडियो में आके अब कैसा लग रहा है, अब वो जो अंदर से इच्छा थी अब वो हट गई या अभी और आना है? लोग आने नहीं देंगे, लोग कहेंगे कि नहीं भैया अकेले ही वीडियो बनाओ फिर? नहीं ऐसा नहीं है, सारे ऑडियंस अच्छी है। हाँ। सब मेरे बच्चे तो बुरा तो किसी ने बोला ही नहीं, सब बच्चे जैसे हैं मेरे, सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ। अगर रॉ स्मैकडाउन को रिव्यू करने को बोलूं तुम रॉ स्मैकडाउन देखोगे फिर यहाँ पे लोगों को बताओगे उसके बारे में, बता दोगी? हाँ मुझे तो पसंद है सब चीजें ही बोलूं। रसल चैटर मुझे पसंद है।
अच्छा वुमेन्स डे है आज, तो तुमको वुमेन्स वाली फाइट ज्यादा पसंद आती है या फिर मेन वाली? मुझे तो फाइट सारी पसंद आती है, बस ये बेले वाली मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती। अरे अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जाओ, वो तो लिख के दिया था मैंने। अच्छा ना, फिर ऐसे बोल दो। ये बेली वाले कमेंट तुम ही करती हो क्या यूट्यूब पे आके? बताओ, घर वाले भी नहीं छोड़ रहे। जब सब बोलते हैं तो हमने भी वैसे ही बोल दिया, बेली पसंद नहीं है। तो तुम्हें तो रैंडी ऑर्टन की फाइट पसंद आती थी। हाँ। जब खाना खाते टाइम अच्छा नहीं लगता था वो? नहीं, वो पता नहीं अजीब सा ना, अजीब सा मन हो जाता था वो ना, सारे यहाँ से सब निकल जाता था। क्या निकल जाता था? थूक बोल दो, थूक बोलने में डर रहे हैं, बताओ यार। थूक निकल जाता, रेहट निकल जाती नाक से। बताओ यार, इतना शर्मा रहे हिंदी में। चलो कोई बात नहीं, और कुछ कहना चाहोगे आप दर्शकों को? तू बता क्या बोलूं? नाम बता दो। अच्छा नाम मत बताओ, मैं बताता हूँ। इनका नाम है 3DX की माँ। याद है 3DX की माँ? हाँ, 2018 में एक बंदे ने अकाउंट बना रखा था 3DX की माँ करके। हाँ। और मैंने सोचा मैंने तो बनाया नहीं। मैंने फिर तेरे से पूछा। हाँ। तूने मेरे नाम से बनाया है? फिर मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये दूसरी पापा की वाइफ। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर, और क्या पका रहे हम लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं लोगों के क्या कमेंट आएंगे। तुम मत पढ़ना, पता नहीं है लोग क्या बोलेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा फिर दिखाऊंगा। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अपनी मम्मियों को भी हैप्पी वुमेन्स डे बोल सकते हैं क्या? ऐसे बोल सकते हैं। कितनी ऑडियंस है? ऑडियंस क्यों? चीटर है वो। रो क्यों रही हो? चीटर है वो। नाटक थोड़ी चल रहा है। झूम झूम झूम। भैया मुझे घूर लो। अभी तो देख बाल हंसे हुआ ना, तब हंसी रहा था मैं, देख नहीं रही हो तुम। अरे रुक तो जाओ, रोमन रेंस वाला बोलने तो दो कि रोमन रेंस के जमाने में। मेरे को भी कहा गया है कि रोमन रेंस तेरा बाप है, तो चल 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 मारने के लिए इतने उत्सुक कैसे हो? तो क्या ऐसे शर्म भी आ रही है? अब तू शर्म आ रही है? मुझे तो बढ़िया बोल रहा था। अरे बेइज्जती कर रही है तुम तो। हाँ ऐसी होती है।